ईटानगर जिले में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी। मैं इस समय जगाधरी विधानसभा के गांव बहादुरपुर में हूं। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो हैं, उन्होंने अपना मतदान किया है, तो बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे मतदान करना? ये लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि सभी को अपना मतदान करना चाहिए। जहाँ ये संविधान ने हमें अधिकार दिया, तो वही हमारा कर्तव्य भी है कि हम सब अपना वोट बोल रहे। किन कामों पे आप मान रहे हैं कि बीजेपी को वोट मिले? देखिए, जो डेवलपमेंट है उस पर वोट मिलेगा, और जिस निष्पक्षता के साथ डेवलपमेंट की, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अगर 2014 का चुनाव आप देखोगे तो हर आदमी के जबान पे एक ही बात थी कि उस सरकार में डेवलपमेंट में बेहद भेदभाव किया गया, और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप RTI लगाए के पूछोगे तो 1 कर 100 का फर्क मिलेगा, डेवलपमेंट में इतना फर्क है। तो अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, ज्यादा भी किया, विकास भी ज्यादा किया और भेदभाव भी नहीं। सर, इस जो कैंपेनिंग हुई, कांग्रेस ने एक नशे का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि भाजपा के राज में जो नशा है वो काफी पनपा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो अभी पकड़ा गया, 5600 करोड़ रुपए का कांग्रेस ही पकड़ा गया, पेशता उसी के पास था, कांग्रेस वालों के पास था, और कांग्रेस ने ही इसको वो दिया। तो सरकार बीजेपी की बनेगी सर? एक बार बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनेगी, 100% बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से काम किया बीजेपी ने, तो निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका कहना है कि भाजपा ने जिस तरह से काम किया है तो लोग उन कामों को ही अब वोट देंगे। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी।